अबे ओए लंबू, मेरे रास्ते में बम्बू बन के क्यों खड़ा है बे? अबे तुझे लंबा करने आए हैं। लंबा करने? लंबा क्यों करने आया? अपनी हाइट से खुश हूँ यार। अबे ओए, अबे क्या कर रहे हो भैया? बड़े बादाम पिस्ता खाए हुए लगते हो, लेकिन अपना जोर इन आलुओं पे क्यों निकाल रहे हो? तुम जानना चाहते हो मैं ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब आदमी को चर्बी चढ़ती है तो ऐसा करता है। अबे हाँ, जैसा इस आलू की गोनी को फेंका है ना बेटा, वैसा तेरे को उठा उठा के फेंकने वाले हैं। एक बात बोलूं बेटा? हाँ बोल। तूने कांदा उठा के फेंका, मैं कुछ बोला नहीं? आपने बटाटा उठवा के फिंकवा दिया, मैं कुछ बोला नहीं? मालूम है क्यों नहीं बोला? क्यों? इसलिए कि टेम्पो मेरा नहीं है, मेरा टेम्पो तो उधर खड़ा है, मैं तो इस पे हाथ रख के खड़ा था यार। अबे चल, चल। अबे अबे तेरी ऐसी की तैसी, अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहाँ जा रहा है? नन्ने भैया, बन्ने भैया, बन्ने और नन्ने, किसने भेजा था तुमको बताओ, वरना मैं तुम्हारे मुन्ने की सिंघानी से। कहा है वो पूत? हाँ। जो तुम मेरे साथ करने आए थे ना, अब उसके साथ करो, वरना जाइए नन्ने भैया, जाइए, वरना ये मेरी। हाँ हाँ, हाँ ना, अभी जाते हैं, अभी जाते हैं। अरे बाप रे, ये लोग मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? अरे बाप रे, अरे मार मार के तोड़ दिया। अरे तेरा सत्यानाश, तेरे चिड़े पड़े। ये नहीं, कुछ और दिखाइए ना किरण, हम ऊपर सेवेंथ फ्लोर पर जा रहे हैं, तू वहीं आ जाना। अच्छा ठीक है। ये भी नहीं, ये वाली। हाय 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 हाय, ऐसा लगता है जैसे बादलों में चांद निकल आया हो। आपके हस्बैंड के टेस्ट को मान गया मैं सर। ये मेरे हस्बैंड नहीं है, बॉयफ्रेंड है। जस्ट शट अप। अरे अभी भी शुरू हुआ यार, मतलब होने वाले। कोई बात नहीं, एक दिन इससे शादी करके तेरी दुकान पे जरूर लेकर आऊंगा। जरूर लाना साहब। हाँ क्या है कि आज तक मुझे तुम जैसी कोई लड़की दिखी नहीं, दिखी नहीं तो मिली नहीं, मिली नहीं तो बात बनी नहीं, बात बनी नहीं तो बात आगे बढ़ी नहीं, इसीलिए मैं जिंदगी में पीछे रह गया। लेकिन अब तुम मिल गई हो तो ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ आगे बढ़ने का चांस। शट अप, चिल्लाओ मत वरना लिफ्ट रुक जाएगी। शट अप, शट अप, शट अप। देखा, रुक गए ना लिफ्ट। मुझे डर वर नहीं लगता, समझे फूल। क्या हो गया बीबी, ये अंधेरे में हजार वोल्ट के झटके क्यों दे रही हो? हाय, मेरे दिल में न जाने कैसे कैसे बल्ब जल उठे, ये सब हुआ कैसे बीबी? हाय, कॉकरोच। कॉकरोच यानी कि छपड़ा। कॉकरोच भैया, क्या टाइम पे एंट्री मारी है यार, जब तक जिंदा रहूंगा तुझे सलाम करता रहूंगा, तुझे अगरबत्ती दिखाऊंगा, तेरा स्टैचू बनाकर उस पर हार चढ़ाऊंगा, तुझे मोतीचूर के लड्डू खिलाऊंगा साले। ये क्या
बदतमीजी है। माफ कीजिएगा मैम साहब, मैं कॉकरोच की तारीफ कर रहा था। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। कोई है? मैं हूँ ना। शट अप। कोई है? मैम साहब, आप यहाँ से ऊपर आ जाओ। वहां से? अच्छा। मेरे हाथों पे अपने पांव रख दो बीबी और चढ़ जाओ। हाँ चढ़ते रख दो। हाँ 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 हाँ। देख क्या रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ बेबी। आंखें बंद करो। आ क्या, मेरी तो सांस ही बंद हो चली है। जल्दी चलो, काफी भारी भरकम हो यार। अरे एक बार हमको थैंक यू तो बोलो यार। हाँ? ए, क्या कर रही हो? मेरी जूती से। क्या कर रही हो? मिल गया प्यार करने वालों का नजराना मिल गया। मेरी सांस दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरी सांस दो। देता हूँ एक मिनट। हाँ, तुम्हें अपना बनाने की कसम। अभी बताते। सुनो, अगर थूकना है तो इस पे थूक दो। इडियट। अबे मुझको भी तो बाहर निकाल। अबे अबे तुझको क्या, सिर्फ लड़कियों को बाहर निकालने के लिए रखा है क्या? आज हूँ आए बालमा सावन बीता। सुनिए। सुनाइए। छोटे मियाँ कहाँ है? वो तो गए नागपुर। लेकिन कल तो थे। लेकिन आज तो गए। कब आएंगे? कभी नहीं। क्यों? वो नागपुर में उनकी शादी थी ना। तो वो कानपुर के घर दामाद हो गए। ऐसा क्यों? वो जौनपुर के थे ना भाई। तो जौनपुर के लोग ऐसे होते हैं? वो तो जयपुर और उदयपुर वाले ही बता सकते हैं। अच्छा, तो मेरे कपड़े कौन सिएगा? मैं हूँ ना मदनपुरा का आपका मियाँ। मेरा मियाँ? मतलब कि आपके टेलर के वाले बड़े मियाँ। अच्छा चलिए ठीक है, माप ले लीजिए। माप तो मैं आपका कभी से आंखों आंखों में ले चुका हूँ। क्या कहा? यकीन ना है तो मेरे हाथों से पूछिए, मेरी सांसों से पूछिए, अंधेरे में फैले उस रेशमी उजाले से पूछिए। अरे कैसा अंधेरा, कौन सा उजाला, कैसा मजाक कर रहे हैं? आप नहीं समझेंगी, आपके कपड़े तैयार हैं, जाइए जाकर आप ट्राई कर लीजिए। पता नहीं कैसे पागल से पाना पड़ा है। अरे राजा, तेरे बताए हुए नाप के हिसाब से मैंने सारी ड्रेस बना दी, अगर एक इंच भी ऊपर नीचे हो गया तो ये मेरी दुकान ऊपर नीचे कर देगी। अबे घबरा मत यार, ऐसा कस के नाप लिया था मैंने लिफ्ट में। आज जाकर पूछूंगा ऊपर वाले से कि तूने मुझे दो चार हाथ और क्यों नहीं दिए नाप लेने के लिए। यू फ्रॉड। ये लो पकड़ो, ये भी लो। ये तेल मैंने गांव से मंगाया है। आपके हड्डियों में से कड़कड़ की आवाजें आती है ना, आवाज और हड्डियां दोनों गायब हो जाएंगी। क्या मतलब? मेरा मतलब है आवाज और दर्द दोनों गायब हो जाएंगे। ये तेल पहले किसी पे आजमाया कि डायरेक्ट मुझे पे आजमा रहा है? नहीं, आजमाया ना। हमारे गांव में एक आवारा सांड था, उसको गांव वालों ने मिलकर पीटा, हमने उस पे आजमाया, सांड ही गायब हो गया। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब जिस गांव से आया था ना, उस गांव वापस चला गया। तो मैं अलीबाग से हूँ तो क्या मैं वापस अलीबाग चला जाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ रहकर कब तक पिटते रहेंगे? चल, मैं इस ढाबे वाले को नहीं छोड़ूंगा, उससे निबटने के लिए मैंने पूरी पुलिस फोर्स बुलाई है, अभी आती होगी। गुड मॉर्निंग सर। आइए आइए। इंस्पेक्टर अजगर सिंह रिपोर्टिंग। वेलकम सर। थैंक यू। सेठ जी, ये घड़ी तो बड़ी खूबसूरत है, स्विट्जरलैंड की है। सर आप ये ढाबा गिरवा दीजिए, ये क्या मैं आपको 10 घड़ियां लाके दे दूंगा। फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। वो उधर लवली लवली लवली। अरे बड़ा खूबसूरत चश्मा है, इटालियन कंपनी का लगता है। अरे सर ये क्या है, आप जरा वो ढाबा गिरवा दीजिए, मैं आपको 10 चश्मे मंगवा दूंगा। आज इस फिलहाल मैं इसको रख लेता हूँ, 9 और मंगवा दीजिएगा। अच्छा? अरे वहाँ कहाँ जा रहा? ये तो अली बाबा 40 चोर का बाप लगता, आते ही लूट मार शुरू कर दी। अरे छोड़ना यार, वो ढाबा गिराने के लिए लूटने तो क्या, मैं मिटने को भी तैयार हूँ। चले सर। हाँ हाँ चले, इसको बाद में देखते हैं, कहाँ है वो ढाबे वाला। उसने बहुत तंग किया मुझको, आज उसको पकड़ लीजिए सर। हाँ फिकर मत की मेरे। किधर है वो गुंडा, ये क्या है? बिना लाइसेंस के दारू बेचता है। साहब ये दारू वालों ने पानी है। शट अप। ये वो दारू है जिसको पीकर सूरत में पंडरा
आंध्र प्रदेश में 20 और उत्तर प्रदेश में 25 आदमी मर गए। ऐसे कैसे साहब? अरे लगाओ हथकड़ी साले को। अरे क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ी पकड़ना, दारू वालों को पकड़ने चला है, बड़े वाले गुंडे को पकड़ो ना। तो ये वो नहीं है? हट, किधर है बड़ा गुंडा, बुलाओ उसको, बुलाओ। देखा आपने कैसे हिल गया? राजा भैया बाहर पुलिस आई है। बाहर आओ ढाबे वाले। चलो चलते। राजा भैया पहले दाढ़ी तो बना लियो। पहले इनकी हजामत कर दूं, बाद में अपनी दाढ़ी बनाता हूं। आओ। कहिए इंस्पेक्टर साहब, क्या चक्कर है? ये वो ढाबे वाला। अच्छा, शेविंग क्रीम लगा के आया है ताकि चुपके से निकल सके। चुपके से कौन निकलेगा, ये तो क्रीम निकलने के बाद ही पता लगेगा। शट अप, इस शहर में मेरा ये पहला केस है। आखिरी भी हो सकता। अरे चुप, देखता हूँ तुम कितने बड़े गुंडे हो। हवलदार, गिरफ्तार कर लो इसको। अरेस्ट हिम। एक मिनट, गिरफ्तार करने से पहले क्रीम तो निकालने दो। हाँ निकाल लो। रुमाले आपके पास? रुमाले आपके पास? रुमाल भी मेरे लेंगे, अपना निकालो ना। पहली बार किसी को अपना रुमाल देना पड़ रहा है। रुमाल ला पकड़। ये शेविंग क्रीम लगा के मुझे उल्लू बना रहा है। अरे मैंने बड़े बड़ों को पकड़ा है साहब, ये चीज क्या है? सही बोल रहे हैं। चलिए इंस्पेक्टर साहब। अबे तू, अरे इसे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे में क्या है जिसको देखकर वो तूफान मेल की तरह भाग गया? ये अंदर की बात है सेठ, जिस दिन आपको ये राज मालूम पड़ेगा ना, आप भी इसी तरह दुम दबाकर भाग जाओगे। मेरा नाम के सिंघानिया है बच्चे, मेरे सामने बड़े बड़े तुर्रम खान नहीं टिक सके तो तू कौन से खेत का बैंगन? बैंगन नहीं मूली, मिसाल टिक से दिया करो। हाँ वही मूली सेठ, ऐसी मूली हूं ना मैं, खाओगे तो नाक मुंह का नाक और यहाँ वहाँ सब जगह से पानी पानी निकलेगा। मैं मूली खाता ही नहीं हूँ, समझ गया? अच्छा